नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डोनेट म्यूजिक में, जहां मिलता है आपको ज्ञान ही ज्ञान और मुझे मिलता है आपका प्यार और सम्मान। दोस्तों, आज फिर मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बहुत ही मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग, कुमार शानू जी द्वारा गाया हुआ फिल्म 1942 लव स्टोरी। आपको पता ही होगा कौन सा फिल्म है। और इसके संगीतकार हैं आर डी वर्मन साहब, गीतकार हैं जावेद अख्तर साहब, और इस गाने का रिक्वेस्ट मुझे भेजा है शशि गोसाई जी ने। तो बहुत दिनों बाद उनका ये रिक्वेस्ट पूरा कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ना कहो, ये गाना ताल दादरा में है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से इसमें ताल बज रहा है। इसको वेस्टर्न में 3/4 बीट बोलते हैं और इंडियन में दादरा। 1 2 3 4 5 6 धा दी ना धा तू ना धा दी ना धा तू ना, ठीक है। इसका मैं ताल का आपको बताता हूँ और डिटेल में बाद में। तो पहले इसके सुर के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इसका स्केल जो ओरिजिनल स्केल जो मैं सुन रहा हूँ यूट्यूब पे, वो है डी शार्प मेजर, दूसरी काली सा, दूसरी काली को सा बनाया है। और इसमें सारे स्वर शुद्ध प्रयोग में, एक दो जगह तीव्र म का भी प्रयोग हुआ है। सा रे गा मा प ध नी सा नी द प म ग रे सा मा, ये तीव्र म का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। मा प, तो इसको इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कल्याण थाट का गाना है दोस्तों। तीव्रमा और शुद्धमा दोनों का प्रयोग हुआ है, तो यमन कल्याण आप इसको बोल सकते हैं, यमन कल्याण आप इसको मान सकते हैं। नोट क्या क्या हुए प्रयोग, डी शार्प सा हुआ, एफ हुआ रे, ग हुआ जी, म हुआ जी शार्प, प ए शार्प, ध सी, डी हुआ नी, और ऊपर का हो गया डी शार्प सा, और बीच में तीव्र म जो योग हुआ है वो है कीज ए तीव्र म। तो दोस्तों इसको ना आप समझिएगा, क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर ठहरना कितना है, इसमें पॉज बहुत है, कई कई जगह रुकना पड़ता है, तो कितना रुके, है ना। तो उसका मैंने अंदाज लगाया कि कैसे वो गाते हैं। तो उसमें आप देखिएगा, ये चार उंगली है ना मेरा, उसमें तीन तीन बना लीजिए आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये तीन तीन करके चार उंगली में बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं 3/4। तो हमारा कोई भी गाना जो है ना, वो जो लंबाई रहेगी इसी 4 के अंदर रहेगी, है ना। जो गाने की लाइन होगी इसी 4 के अंदर होगी। ये 4 खत्म होते ही, ये 4 फिंगर्स खत्म होते ही, यानी 12 मात्रा खत्म होते ही आपको फिर दूसरा लाइन स्टार्ट करना होता है। ये मैंने एक अंदाज पकड़ा है, अगर आपको उसमें मदद मिले तो आप ये भी फॉर्मूला अपना सकते हैं। कैसे देखिए, इस गाने का स्टार्टिंग जो है चौथी उंगली के 1 2 3 से शुरू होता है। मैं पहला 1 2 3 बोलता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हो गया। तो यहां से देखिए कैसे, कुछ ना का तक हुआ, हो पे सम आया, हो ये पॉज, अब यहां तक पॉज हुआ, यानी पहला उंगली का 1 2 3, दूसरा उंगली का 1 2 3, और तीसरे उंगली का 1 2 होते ही तीसरे नंबर से कुछ बोल देंगे, कुछ भी का कुछ भी ना कहो, फिर पॉज, इतना गैप जान देंगे, कुछ ना, फिर ये आने तक वेट करेंगे, हाँ चौथी फिंगर आने तक, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, फिर चौथी उंगली तक वेट करें, क्या कहना, तो क्या के लिए वेट किया इस मैंने, हाँ कहो तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन हो लंबा लंबा, ये उंगली पास किया, ये उंगली पास किया, ये उंगली पास किया, फिर यहां से क्या कहना, ना पे यहां ना है, फिर है को लंबा, देखिए इतना किया यहां तक, इसके आने से पहले लंबा करें, पॉज करेंगे उसको, क्या सुन ना है, फिर पॉज कहां तक, यहां तक,
तुमको पता है, यहां तक पॉज किए, तुमको पता है, फिर पॉज है, समय समय अगली लाइन होती है, इसलिए हम यहां शुरू करेंगे। समय का ये पल हाँ, थमसा गया है, पॉज, और फिर कहां शुरू हो रहा है, यहीं से चौथे उंगली के 1 2 3 से, इसलिए मैं कह रहा हूं हमेशा आप इसका ध्यान रखिए। और इस पल में कहां सक, और इस पल में देखिए यहां शुरू हुआ, यहां से लंबा पॉज होता है, कितना पॉज होगा यहां तक, फिर यहां से, और इस पल में कोई नहीं, यहां से लेंगे फिर, कोई नहीं है यहां तक पॉज कर लिए, क्योंकि हमें शुरू होना कहां से, चौथी फिंगर से, बस एक मैं हूं का लंबा रखिए, बस एक तुम हो, यहां तक पॉज, ठीक है। अब कुछ ना को फिर वही चौथी फिंगर से, चौथी फिंगर के पहली मात्रा से, कुछ ना कहो, तो ये फॉर्मूला दोस्तों कोई नहीं समझाया अभी तक, और मुझे लगता है कि मैंने ये फॉर्मूला निकाला जो है उससे आपको ये जरूर हेल्प होगा, उससे आपको गाने में पॉज कितना करना है, ठहरना कितना है, ये आपको पक्का हेल्प करेगा, एक बार आप आजमा के देखिएगा, ठीक है। अंतरा शुरू होता है सम से, लेकिन अंतरा पहली फिंगर से शुरू होता है, म्यूजिक शुरू होगा, म्यूजिक होने के बाद कितने गहरे कितने गहरे हल्के, जो भी अंतरा है आप पहली मित्र मात्रा से ही, मतलब फर्स्ट फिंगर से ही आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और फिर देखिए ऑटोमेटिक आपको वही चौथी फिंगर के यहां से उस मुखड़ा आ जाएगा, ठीक है, आप आजमा के देखिएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी मेलोडी पे, क्या नोटेशन है ना, और कैसे आपको गाना है ये समझा देता हूँ। ताल समझाना मुझे बहुत जरूरी था, क्योंकि कई लोग इस गाने को कैराओके पे नहीं गा पाते हैं, और ये प्रॉब्लम्स कई लोगों के हैं, और वो मुझे पता है, इसलिए मैंने चाहा, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको ये फॉर्मूला ये ट्रिक्स बता दूँ, और ये ट्रिक अगर काम कर रहा हो दोस्तों, आपको समझ में भी आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ समझ में आया और ये आपको कारगर है, ये आपको काम भी कर रहा है, ठीक है। 3 4 मतलब तीन तीन का हर उंगली में रहेगा, और वो 4 बीट तक, मतलब 4 उंगली तक हम सफर करेंगे, लंबाई रखेंगे, तो उसको बोलते हैं 3/4, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए नए आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाद में वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमें डोनेट म्यूजिक को अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, तो थैंक्स बटन दिया रहता है, आप थैंक्स बटन के द्वारा भी अपना सपोर्ट दे सकते हैं, और ज्वाइन बटन होता है, ज्वाइन लिखा होगा आपको, जहां पे सब्सक्राइब, यहां पे लाइक शेयर लिखा रहता है, वहीं पे ज्वाइन लिखा रहता है, आप ज्वाइन दबाकर हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, मेंबरशिप एज ए मेंबर हमारे साथ जुड़ जाइए, तो ये भी एक तरह से हमारा सपोर्ट ही हो। और अगर आप हमारे चैनल का मेंबर होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे जो पूछेंगे उसका जवाब आपको जल्दी मिल जाया करेगा। कोई भी ऐसा गाना जो आपको सीखने का मन है वो आप वहां लिख सकते हैं, मैं उस गाने का ट्यूटोरियल प्रायोरिटी बेसिस पे बनाता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। ये कैसे होगा दोस्तों, सारे गा से शुरू होता है, और इसमें दोस्तों आवाज बिल्कुल सॉफ्ट रखिएगा, कुछ ना कहो, इस तरह से नहीं गाना, रोमांटिक गाना है और बहुत फील वाला गाना है, तो थोड़ा फील के साथ गाइएगा, गाने में ज्यादा हरकत मुर्की नहीं है लेकिन फील बहुत है, तो आप अगर फील मेंटेन नहीं कर पाए तो गाना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ग से शुरू होता है, सारे गा पा, कुछ कुछ कहा हुआ ग पे, कुछ ना गा पा, ओके, कुछ ना कहो, कहो कहा हुआ सा नी मंद्र नी सा नी, ठीक है, कुछ भी ना, अब कुछ भी का ग ग प,
कुछ भी, अब कुछ भी गा गा ही होगा, कुछ भी ना पापे ना कहो, इस बार कहो नीसा होगा, पहले था सानी अब ये नीसा वाला है, तो दो जगह से क्या कहें क्या कहना है, सब क्या सुनना है, ये कैसे हुआ, सा रे गा मा मा प म ग गा, क्या कहना है, ये कैसे, सा, सा पे क्या हुआ, क्या, अब कहना कैसे, कहना यानी रेगा मा जल्दी है, कहना है, अब रेगा मा मा यहाँ होल्ड कर लेंगे, ठीक है, और होल्ड आपको मैं गिनना सिखा दिया, उतना ही करना, फिर क्या सुनना है, अगेन दूसरा जो क्या है वो मा से ही है, मा क्या अब सुनना है, प म ग र ग, सु कहां से, प सुन यानी प म सुन ना है गरगा, ठीक है, क्या कहना है, क्या सुनना है, ठीक है, अब आगे देखिए कैसे, अब मुझको देखे, मुझको वो प से पापा, मुझको पता, मुझको पता है, अब पता कैसे हुआ, पता पामा, ये तीव्र मा है, मुझको पता, ता कहां पे, तीव्र मा पे, पापा ये मुझको हुआ, मुझको पापा, अब पता कहां हुआ, धमा मा गर गर, धमा मा यानी पता है, और वहां पे होल्ड कर लेंगे, पता है धमा मा गर गर, ठीक है, इसके बाद तुमको पता कहां हुआ, तुमको पता है धनी धप म प, तुमको कहां, तुम धपे, तुमको धनी, ओके धनी तुमको पता है, पापी धा से धप म प पता है, लास्ट नोट प है, ठीक है, इसके बाद देखिए, समय का ये पल, यानी कि पानी समय, समय पानी समय का कैसे धपा, समय का, ओके पानी धपा ये पल, यानी धा धानी ऐसे खटका मारेंगे, ये पल ओके, इसके बाद नी 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 दानी दी सा हम सा गया, हम सा गया है, नी नी दानी नी सा हम सा कहा, हम सा नी नी दा, तम सा नी नी दा, दा पे ऐसे करें मीट जाएंगे, तम सा ओके गया है, नी नी सा यहां भी होल्ड करेंगे, इसके बाद और ये और ऊपर के साथ ही, और इस सा सारे ऊपर का, और इस
पल में, यानी नी नी धपा धपा पल में, नी नी पे ही है पल में। ओके उसके बाद कोई नहीं है कोई धानी धानी कोई, हाँ धानी धानी कोई नहीं है धपा मापा, तीव्रमा यहाँ पे ये वाला धपा मापा नहीं है। इसके बाद बस एक मैं हूँ, कुछ ना को बोला जो नोटेशन था वही है गा पा रसानी, बस एक गा गा पा गा ये है बस एक मैं हूँ, मैं हूँ कहा सानी सानी। उसके बाद बस एक तुम हो रेगा रेगा रे सानी सा, ये थोड़ा एडिशनल है बस एक रेगा रेगा रे तुम हो सानी सा। बस कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, बस इसके बाद म्यूजिक शुरू होता है दोस्तों, और इसमें जो अंतरे हैं सारे एक जैसे हैं, तो आप एक बार समझ लीजिएगा कैसी गायकी है कैसे नोटेशन है, तो आप बाकी अंतरे भी गा सकते हैं। तो मैं आपको एक अंतरा समझा देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा लंबा अंतरा है, काफ़ी चेंजेस हैं, इसलिए एक बार आप समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे अंतरे करने जाऊँगा तो। ठीक है चलिए अब चलते हैं अंतरे पे। कित कित ये सुर क्या है सारे गामा पधनी, तो शुद्धनी मिडिल का तार से तार वाला सा से पहले नी, कितने गहरे हल्के कितने ये नीधा नीधा कितने गहरे पाधा मा, मा तीव्र हल्के यानी तीव्र मा पा धीरे देखिए कितने गहरे हल्के। ठीक है उसके बाद शाम के रंग है छलके शाम के रंग है ऐसे धनी धनी द पादमा शाम के रंग है ओके छल के मापा छल के ओके कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छल के। लास्ट नोट क्या पा यहाँ पे रुके, अब इसके बाद देखिए पर्वत से यू उतरे बादल ये गा से गा, वहां लास्ट नोट था वहां पे क्या प, अब यहाँ गा से शुरू हो रहा है पर्वत से यू उतरे बादल। ठीक है गामा पा मा गा, गामा पा मा गा। बस ये नोटेशन है सिंपल है, आप ध्यान से देखिए पर्वत से यू उतरे बादल। ठीक है अब आगे अब बादल कहाँ खत्म हुआ था गापे बादल जैसे, ये पा से शुरू होगा। लोग यहाँ पे भी कई गलती करते हैं, कई लोग यहाँ भी गलती करते हैं दोस्तों, अलग जगह से उठ जाते हैं, आपको ध्यान रखना पा से उठना पा जैसे आंचल ढलके, यानी कि
पापा, ये हुआ जैसे, आचल, आचल हुआ नी, आचल ढल के, यानी कि नीसा, ठीक है। फिर ये लाइन रिपीट होती है, वही सेम लाइन रिपीट होती है, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल। अब यहां उतरे में देखिएगा एक चेंज है, उतरे बादल, उतरे बादल, देखिए उतरे बादल, गा माधा पाधा पमागा, उतरे बादल, ठीक है। फिर जैसे आंचल सेम है, जैसे आंचल ढल के, इसके बाद और इस दिल में वो देखिए, कैसे हुआ, और इस पल में, ये लास्ट में लिया देखिए, और इस पल में सा सारे, ऊपर का तार का सा सारे, और इस पल में, ये नी नी, यहां होल्ड करेंगे पल में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये प्यारा सा गाना, रोमांटिक गाना बहुत पसंद आएगा, और आप इसको सीखकर जरूर गाएंगे, शोज में गाएं या अपने पार्टियों में गाएं या दोस्तों के बीच में गाएं, कहीं भी गाएं, लेकिन गाने लायक तो आप जरूर सीख लेंगे, ठीक है। और ताल भी मैंने आपको समझा दिया है। कुछ भी आपको शक शुबा हो, कुछ भी आपके मन में प्रश्न हो, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा कि क्या पूछना चाहते हैं, और या तो आपको मेरा नंबर दिया रहता है, आप उस पर व्हाट्सएप करके भी मुझे पूछ सकते हैं।